तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस मशीन में हम लोग कौन कौन से ये ब्लेड लगा सकते हैं और हम लोग इससे किस किस मटेरियल की कटिंग कर सकते हैं। हाँ तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइज़ वाइज कौन से ब्लेड इस मशीन में लग सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास ये ब्लेड और ये 4 इंच वाले ब्लेड हैं और ये तीनों ब्लेड 5 इंच वाले ब्लेड हैं। तो हम इस मशीन में इनमें से सारे ब्लेड लगा सकते हैं सिर्फ इस ब्लेड को छोड़ के, क्योंकि आयरन कटिंग ब्लेड के 4 इंच वाले कटिंग डिस्क का जो ये डायामीटर होता है ये बहुत छोटा होता है और इसके नट में ये फिट नहीं होता है। ये देखिए ये इसका होल जो है इस डायामीटर से छोटा पड़ जाता है। तो ये कटिंग डिस्क नहीं आती, बाकी सारी डिस्क आप इस पर लगा सकते हैं। ये 4 इंच वाली वुड कटिंग ब्लेड, ये देखिए बहुत आराम से ये सेट हो जा रही है यहाँ पे। ये हमारी टाइल्स या मार्बल कटिंग डिस्क, ये भी आसानी से सेट हो जाएगी यहाँ पे। ये हमारी ग्लास कटिंग या फिर टाइल्स कटिंग मार्बल कटिंग में भी ये डिस्क भी काम आती है, ये भी आप लगा सकते हैं। इसमें सारी डिस्क आसानी से लग जाएगी। अब देखते हैं इन 5 इंच वाली ब्लेड में हम कौन सी डिस्क लगा सकते हैं। देखिए ये मार्बल कटिंग डिस्क है, ये 5 इंच वाली है, तो देखिए हल्की सी लूज पड़ रही है। सेम यही चीज़ इस आयरन कटिंग डिस्क के साथ होगा जो 5 इंच वाली होती है, ये भी हल्की सी लूज पड़ती है। ये है हमारी 5 इंच की वुड कटिंग डिस्क, ये भी इस पर लग जाती है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत आसानी से फिट हो गई। तो ये डिस्क तो हमारी बहुत आसानी से लग जाएगी। इन डिस्क को लगाने के लिए हमारे पास इनके लिए जुगाड़ आता है, वो जुगाड़ इन्हीं कटिंग डिस्क के साथ आता है। वो जुगाड़ है ये रिंग्स, ये 4 इंची ब्लेड के लिए आती है, ये 5 इंची ब्लेड के लिए आती है। इसका इस्तेमाल हम लोग एंगल ग्राइंडर में बड़े डिस्क लगाने के लिए करते हैं, इस रिंग का इस्तेमाल। अगर एंगल ग्राइंडर में आपकी कोई डिस्क नहीं लग रही है बड़ी डिस्क, तो इस रिंग को लगा के आप लगा सकते हैं और इस रिंग का इस्तेमाल करके आप इस मशीन में बड़े डायमीटर वाली डिस्क लगा सकते हैं। जैसे ये अब देखिए ये हमारी आयरन कटिंग डिस्क है, ये रिंग लगाने के बाद ये बहुत अच्छे से सेट हो गई। ये देखिए एक बार जैसे ही आप इसका चकनट टाइट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी। बहुत आसानी से सेट हो गई। अब ये देखिए इतनी अच्छी फिटिंग होती है कि एकदम फिट हो जाती है। सेम यही चीज़ हमारी इस मार्बल कटिंग डिस्क में आती है। ये जो रिंग है हमें इसी ब्लेड के साथ फ्री मिली है, आयरन कटिंग ब्लेड के साथ नहीं आती ये रिंग, इन ब्लेड के साथ ये फ्री मिलती है, उसी पैक में आती है। तो आपको ये अलग से खरीदनी भी नहीं पड़ती, इन्हीं के साथ फ्री मिल जाती है और इसके सहारे से आप इस मशीन में ये लगा सकते हैं। देखिए बिल्कुल सेट है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं है। तो हमें तो इतना तो समझ में आ गया कि हम इस पर अगर इस मशीन से अगर आयरन कटिंग करना चाहते हैं तो 4 इंच वाली ब्लेड नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका डायमीटर छोटा होता है और इसका कोई ऑप्शन नहीं होता। तो सिर्फ इस डिस्क को नहीं लगा सकते, बाकी इनमें से सारी डिस्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 5 इंच वाली कटिंग डिस्क, आयरन कटिंग डिस्क, इसमें लगा के आप आयरन कटिंग का काम भी इस मशीन से ले सकते हैं और मैंने इसको करके देखा है, बहुत ही अच्छे से और बहुत आसानी से आयरन कटिंग कर देती है ये मशीन। गाइस अगर हम लोग इन ब्लेड्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग इस मशीन के सहारे किसी भी मटेरियल को बड़ी आसानी से काट सकते हैं। अगर आप ये डिस्क लेना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इनको खरीद सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पर मुझे मैसेज करके इन डिस्क को मंगवा सकते हैं। वैसे तो इनका सबका प्राइस अलग अलग है, ये मुझे मिली जैसे 130 रुपीज़ की, ये 30 रुपीज़ की, ये 20 रुपीज़ की। तो मैं सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो से भी डिस्क लेना चाहते हैं उनको अमेजोन से खरीद सकते हैं। आपके एरिया की लोकल शॉप में भी बहुत आसानी से मिल जाएंगी ये सारी डिस्क। ये मशीन आपको अमेजोन पे मिलेगी और अमेजोन पे ही लेना अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सस्ती मिल रही है मशीन।